दोस्तों, क्या आप भी एक जगह पर बैठ के लंबे समय तक ऑफिस का काम करते हैं, या फिर बैठ के करते हैं घंटों तक की पढ़ाई, या फिर एक ही जगह बैठ के अपने पीसी में खेलते हैं गेम? तो एक चीज है जो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वो है एक अच्छे से चेयर का होना। अगर आपके पास एक अच्छा सा चेयर नहीं है तो फ्यूचर में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपके बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है और आप कंफर्टेबल होकर अपना काम पे भी फोकस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इन सबसे बचने के लिए मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार एर्गोनॉमिक चेयर का अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, जिसका प्राइस भी काफी कम था, जिसको मैंने बाय किया था 5,000 रुपीज में। अगर अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, जाके देखे जरूर। बट वो था एक एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर। बट जब भी आप एक अच्छे चेयर की बात करेंगे तो आपको एक गेमिंग चेयर का ऑप्शन तो जरूर नजर आएगा, लेकिन गेमिंग चेयर जो होते हैं वो हमेशा थोड़े से महंगे होते हैं। आज मेरे पास जो है ये बॉक्स, है डॉनिक्स की तरफ से एक गेमिंग चेयर, जिसके लिए मैंने पे किया है अराउंड 15,000 रुपीज, और मैंने इसे मंगाया अमेजन से। अगर क्या इसमें डिफरेंट है, क्या खास है इसमें, और क्यों ये थोड़ा सा प्रीमियम है नॉर्मल ऑफिस चेयर से, और क्या इसके लिए एक प्रीमियम अमाउंट पे करना वर्थ है या नहीं, सब पता करेंगे आज हम इस वीडियो में। और आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, कैसे इसको सेटअप करना है, कितना कंफर्टेबल है, और अगर आप इस तरह किसी चेयर की तलाश में हैं तो आपकी तलाश शायद यहां पूरी हो सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट करते हैं इस बॉक्स का अनबॉक्स और देखते हैं कैसा दिखता है इस चेयर के अंदर का सारा मटेरियल, बिकॉज हमें उसको निकाल के असेंबल भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं फटाफट इसको बिना समय गवाए। तो यहाँ उठा लिया है मैंने चाकू और करते हैं फटाफट इस बॉक्स को कट। काफ़ी सारे टेप्स यहाँ मारे हुए हैं, देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छे तरीके से सील होकर आया है। और बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले चीज़ जो यहाँ हमें दिखी वो है यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल, जो कि बहुत काम की चीज़ है स्पेशली इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं कि कैसे आपको सब कुछ सेटअप करना है। सो काफ़ी सारे पेजेस है, तो फिलहाल के मैं इसको साइड में रख देता हूँ और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में फिलहाल आप देख लीजिए कुछ इस तरह से पैक हो क्या है। तो पैकेजिंग तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और काफ़ी भारी बॉक्स है, इतना भारी कि मुझे उठाने में भी काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए सब सामान एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली है, अब इस यूज़र मैनुअल को पढ़ के करते हैं फटाफट सब कुछ को असेंबल। सो कंप्लीट सेटअप होने के बाद दोस्तों चेयर कुछ इस तरह से दिखता है और आप दिखने वाले कुछ इस तरह से। दोस्तों बहुत टाइम लगा, दो घंटे अराउंड लगा मुझे सब कुछ कम्प्लीटली इसको सेटअप करने में, और सेटअप होने के बाद कुछ इस तरह से देख सकते हैं, और मेरी हालत किस तरह से आप भी वो भी देख सकते हैं। थक भी गया क्योंकि कंटिन्यू इतना करना है, सेटअप वगैरह करने में थोड़ा सा मेहनत तो है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस तरह का चेयर ऑनलाइन मंगाते हैं, किसी भी चेयर को ऑनलाइन मंगाते हैं, तो आपका एक साथ में एक दोस्त या किसी को रख लीजिएगा ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। मैं खुद से कर रहा था सेटअप, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे करने में। सो दोस्तों चलिए अब एक एक करके इसके सारे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस चेयर को होने का कुछ इस तरह से सेटअप होने का कुछ इस तरह दिखता है। आर्म रेस्ट तक में इसका आपको टेक्सचर मिल जाएगा, और आप यहाँ पर देखिए लाइनिंग जो है कंटिन्यू ऊपर नीचे तक होती है, और बीच बीच आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन के एक्सेंट है, ग्रे कलर में मिलता है। ऐसे दो और कलर इसके अवेलेबल है मार्केट में, ब्लैक कलर और कंप्लीटली ग्रे कलर।
आप वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐसे भी छोड़ दूंगा आपके लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए इसको सर्च करना। सो चेयर तो सेटअप हो गया, फटाफट इसके बेहतरीन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या प्रॉस है, क्या कौन से, सब बात करते हैं आगे। सो आप सबसे पहले देख लीजिए, चेयर को कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, यहाँ आपको लंबर सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर एक टेक्सचर फील आपको होता है, काफी अच्छा डिजाइन यहाँ बना हुआ है। और आपको ग्रे के साथ यहाँ देख सकते हैं, ये आपको ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट ग्रीन का आपको एक्सेंट यहाँ मिल जाता है, जो कि काफी सुंदर लगता है यहाँ देखने में। और यहाँ पर जो लंबर सपोर्ट है, इस लंबर सपोर्ट में एक बहुत ही खास फीचर है, कोई आम लंबर सपोर्ट नहीं है। क्या है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आप चीज चेयर को देख लीजिए, पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है, काफी प्रीमियम सा फील होता है, काफी सॉफ्ट टच है, वेलवेट टच है इसमें, आर्म रेस्ट तक में इसका एकदम अच्छा से सॉफ्ट टच यहाँ दिया हुआ है, वेलवेट यहाँ दिया हुआ है। सो फिलहाल मैं इस चेयर पे विराजमान हो चुका हूं, और बैठने का तब देख सकते कितने से चेयर ने मुझे हग कर लिया है। और जैसा मैंने कहा, आर्म रेस्ट काफी अच्छा फील होता है, यहाँ हाथ रखने में काफी अच्छा फील होता है, और बैठने में भी काफी कंफर्टेबल है। साइड में जो सपोर्ट दिया हुआ आपको अच्छे तरह से हग कर लेता है, तो काफी अच्छा फील होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर फीचर्स की बात करो, तो यहाँ पर लिफ्ट अप एंड लिफ्ट डाउन करने का फीचर है, जैसे देख सकते हैं आप। जैसे इसको यहाँ पर इसको करेंगे, अभी तो फिलहाल ऊपर है, जैसे इसको मैं करूंगा नीचे आ जाएगा, फिर इसको छोड़ूंगा तो ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इसको पीछे जो आपका बैकरेस्ट है, उसको लॉक करने का ऑप्शन है, ताकि ये पीछे ना जाए। लेकिन अगर जब आप इसको अनलॉक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने दूर तक ये पीछे जा सकता है, ये अराउंड आपका 130 डिग्री तक पीछे की तरफ चल जाता है, और काफी कंफर्टेबल लगता है। तो जब आप इस तरह से इसको पीछे करते हैं, हेडरेस्ट को आई मीन बैकरेस्ट को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप सिंपली यहाँ पर जो आपका लेग सपोर्ट है, थाई सपोर्ट, इसको कुछ इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने लेग्स रख के कुछ इस तरह से आराम फरमा सकते हैं, और काफी कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल है यहाँ पर, ये बिल्कुल ही मजेदार है। और ये तो हो गया आराम करने के बाद। अब बाकी फीचर्स की मैं बात करूं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग फील होती है, और काफी अच्छा जो कुशन है और जो हेडरेस्ट है वो भी काफी अच्छा है। जैसे मैं, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर जो हेडरेस्ट है वो मेरे हाइट के हिसाब से गर्दन पे आता है, तो उसको खोल के थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे। फिलहाल मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और बात करते हैं इसके सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन फीचर के बारे में, वो है इसका ये लंबर सपोर्ट। अगर मैं लंबर सपोर्ट की बात करूं, तो ये आम लंबर सपोर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इस लंबर सपोर्ट में आपको यहाँ पर मिलता है यूएसबी केबल। आप देख सकते हैं यूएसबी केबल कुछ इस तरह से अटैच है, जो पीछे इस तरह से आप छुपा सकते हैं इसको। और इस यूएसबी केबल की मदद से यहां पर आपको एक मसाज वाली फीलिंग मिलने वाली है। तो बिना समय गवाए फटाफट इसको कनेक्ट करता हूं मैं एक अडैप्टर से, और देखते हैं कितना ये यूजफुल है या क्या फिर बेकार का फीचर यहां दिया गया है। सो मेरे पास यूएसबी अडैप्टर तो है नहीं, तो फिलहाल मैं इस यूएसबी को लगा लेता हूं अपने लैपटॉप में, और लगाते ही यूएसबी को यहां पर लंबर सपोर्ट में हल्का हल्का वाइब्रेशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हल्के हाथों से मसाज कर रहा है। तो डेफिनेटली फीचर तो काम का है, क्योंकि लेकिन थोड़ा नॉइजी भी है, हल्का सा नॉइज आ रहा है, बहुत नॉइजी नहीं है, बट हाँ अगर आप कुर्सी में बैठ रहे हैं और आपको फील हो रहा है वाइब्रेशन, तो थोड़ा नॉइज भी आपको समझ में जरूर आने वाला है। तो कुछ इस तरह से काम करता है, और डेफिनेटली फीचर काम का है, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तो अगर आप काम करते करते थक जाए, तो इस फीचर का यूज तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो ये तो सारी हो गए प्रॉस और इसकी सारी अच्छी बातें, बट इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है। वो क्या है मैं भी अब बताता हूँ। आप इस तरह किसी भी चेयर को अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आपको जो सेटअप है इंस्टॉल खुद करना पड़ता है, और उसमें आपको काफी वक्त लग सकता है। अगर आपके साथ कोई एक और इंसान है जो आपका सपोर्ट करता है, आपको हेल्प कर रहा है, तो चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो सकती है। बट फिलहाल मैं ये सारी चीजें अकेले कर रहा था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था बैकरेस्ट को होल्ड करना और नट बोल्ट को टाइट करना। और दूसरी बात, जब भी आप इस तरह के चेयर आप ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सपोज अगर कोई भी एक छोटा सा पार्ट जो फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप उसके लिए सेटअप करने के बाद डेफिनेटली आप इसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। सेटअप करने के पहले आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, बट सेटअप करने के बाद सब कुछ पैकेट ओपन करने के बाद इसको वापस अनइंस्टॉल करना भी एक मुश्किल की बात है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मुझे नट बोल्ट जो मिला है, ये नट बोल्ट फिट नहीं हो रहा है। इसका जो स्पाइरल बना हुआ नट बोल्ट पर वो ठीक से फिट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से निकला हुआ है। तो अब इसके लिए मुझे मार्केट में भटकना पड़ेगा और इसके लिए एक नट बोल्ट खरीद के लेके आना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट तो सब कुछ यहां पर परफेक्ट लग रहा है मुझे, कंफर्टेबल चेयर है, बैठने में काफी मजा आने वाला है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा चॉइस ये हो सकता है, और डाउनिक्स जैसे कंपनी एक बहुत ही प्रीमियम चेयर आपको प्रोवाइड कर रही है यहां पर।
सो दोस्तों यही था आज इस वीडियो के बारे में, इस कंफर्टेबल से चेयर के बारे में जिसमें कि कुछ स्पेशल कुछ अच्छी खासी फीचर है। अगर मैं आपको कंपेयर करूं नॉर्मल ऑफिस चेयर से इस पर्टिकुलर गेमिंग चेयर को, तो डेफिनेटली ये उससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, और नॉर्मल जो चेयर होते हैं डेफिनेटली उससे तो कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है ये। तो यही था दोस्तों आज इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अनोखे प्रोडक्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मैं करता हूं शेयर, तब तक आराम।